नमस्कार, आदाब, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन गेम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ आज। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि CPO 2022 के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बताई जाए, क्योंकि अब 2 महीने बचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने के लिए, क्योंकि CPO में 4300 वैकेंसीज हैं। आपके अपने बारे में बता दूं तो मैं CPO 2018 में ऑल इंडिया रैंक 300 था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज मैं ऑलरेडी वर्किंग था। 2019 में मैं प्री में 155 था, मेंस में 180 था, बट मैंने DB नहीं कराया क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग था। हाँ, बट मुझे पता है कि उसमें क्या करना है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ आज। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, 60 दिन बचे हुए हैं, आप कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, मेहनत। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दिल्ली पुलिस लेना है इस बार के वैकेंसीज में, तो आपको मिनिमम स्कोर 330 प्लस करना होगा। अगर आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, कोई भी CAPF चलेगा, तो फिर आपको 300 प्लस स्कोर करना होगा, तभी आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेटजी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग से। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा से, ये रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस है। हाँ, लेकिन अब TCS ने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस करनी कैसे है, आपको 2018 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के SSC ने किसी भी एग्जाम में पूछे हों, या आपके CHSL हो, CGL हो, CPO हो, MTS हो, या सिलेक्शन पोस्ट हो, जो भी एग्जाम है, स्टेनोग्राफर भी, वो आपको सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं, उसके पैटर्न्स को ढूंढना है, उसके पैटर्न्स को देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है SSC, और उसको तैयार करना है। तो आपको डेली कम से कम 100 सवाल करने, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन तो पेपर में ही आएंगे, तो आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं रीजनिंग के लिए। कहाँ से प्रैक्टिस करना है, या तो आप इधर उधर के 75 जगहों के PDF के चक्कर में पड़े रहिए, या तो सबसे अच्छी चीज़ है आप एक पिनाकल की जो बुक खरीद लीजिए, या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक खरीद लीजिए जिसमें 2018 से लेकर 2021 तक का सारा रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मिल जाए। वैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो आपको वहाँ पे PDF भी मिल जाएगा पिनाकल का, तो टेलीग्राम का ग्रुप का नाम पॉपअप हो रहा होगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। तो ये बात रीजनिंग की, रीजनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको 100 क्वेश्चंस डेली करना है, और कहाँ से करना है, 2018 टू 2021 टिल जितने भी SSC के एग्जाम हुए हैं, सारे रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको ये एनालाइज करना है कि आपके कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे हैं, और उन क्वेश्चन को आपको यूट्यूब से या कहीं से जो आपने क्लासेस ले रखी हैं वहाँ से उसको रिवाइज करना है, उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, और फिर से उनको सॉल्व करना है। दिस ऑल फॉर द रीजनिंग, यही रीजनिंग का काम करना है आपको डेली। अभी 55 दिन आसपास बचे हुए हैं, तो आपको ये डेली काम करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं GK पे। बहुत ही डाइसी सब्जेक्ट है, आपको पता नहीं है कि कहाँ से क्या आएगा, लेकिन अब इस समय क्या पढ़ना है GK में, क्योंकि GK में 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन में नहीं आते। तो मेरे हिसाब से GK में आपको सबसे पहले तो मनोहर पांडे वाली बुक पढ़नी है, छोटी वाली, 25 रुपये वाली, ताकि उससे आपका बेसिक्स क्लियर हो सके। अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज करना है, क्योंकि अब ये टाइम रिविजन का ही है। सेकेंड थिंग, आपके पास घटना चक्र होगी या इंग्लिश मीडियम वाली आपके पास घटना चक्र होगी, उसको एक बार वहाँ से आप 3-4 सब्जेक्ट कर लीजिए, जैसे साइंस में बायोलॉजी कर लीजिए, फिजिक्स कर लीजिए, केमिस्ट्री कर लीजिए, एंड जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स को कर लीजिए वहाँ से जाके। जो भी सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है वो कर लीजिए, जैसे कि मुझे इकोनॉमिक्स पसंद नहीं था तो मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता था, बट आपको जो भी सब्जेक्ट वहाँ से ठीक लगता है वहाँ से पढ़ लीजिए। वैसे साइंस पढ़ना जरूरी है, और फिजिक्स साइंस पढ़ना जरूरी है, पॉलिटी पढ़ना जरूरी है, जियोग्राफी पढ़ना जरूरी है, हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इन सब वहाँ से इन सब चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका प्रीवियस ईयर कवर हो सके। उसके बाद आपको क्या करना है, वही सेम थिंग, क्योंकि स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है इस समय TCS, तो आपको 2018 टू 2021 के जितने भी GS के पेपर हुए हैं उन सारे GS के पेपर को रट्टा मारना है। क्या करना है, रट्टा मारना है, एग्जैक्टली वर्बोस जो बोला जाता है ना, वर्ड टू वर्ड रट्टा मारना आपको वहाँ से, ताकि वो क्वेश्चंस कहीं से भी दिखे तो आप विदाउट ब्लिंक ऑफ आई आप तुरंत ही उसको टिक कर दें, ठीक है। तो GK की भी स्ट्रेटेजी साफ है, प्रीवियस ईयर जो सब्जेक्ट्स आपको करने हैं 4-5 सब्जेक्ट, मनोहर पांडे की 25 रुपये की किताब, एंड द थर्ड वन इज 2018 टू 2021 ऑल द SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 टू 2021 ओनली, ठीक है।
हाँ, अगर क्योंकि आप जो घटनाचक्र करेंगे उसमें वो कवर हो जाएगा पहले का, तो आपको जो मेनली फॉलो फोकस करना है इस समय स्टैटिक पे फोकस करना, क्योंकि इस समय स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है टीसीएस ने। बात आ रही है अब करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स कहाँ से करें। देखिए जो लोग करंट अफेयर्स करते आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग करंट अफेयर्स नहीं कर रहे थे अभी करना स्टार्ट करेंगे उनसे मैं ये कहूंगा कि आप जिस हिसाब से ट्रेंड फॉलो हो रहा है एसएससी में, तो कम से कम जनवरी से लेके अक्टूबर तक का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी अगर करंट में 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 8-10 क्वेश्चन कर पाओगे उसमें, ठीक है। तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक का करंट पढ़े कहाँ से, या तो आप स्टडी आईक्यू का बेस्ट 300 क्वेश्चन पढ़िए, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है, मैं बेस्ट रिकमेंड उसी को करता हूँ। हर महीने के 300 जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको तैयार करिए, 7-8 महीने के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन उसमें से आपके 100% फंस जाएंगे। और नहीं तो जो टीचर जो वो निकालते हैं द समरी ऑफ द करंट अफेयर ऑफ 1 ईयर, आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है और उसमें समझ नहीं आता क्या क्या पढ़े। तो आपको सबसे अच्छा यही है कि जो 300 बेस्ट स्टडी आईक्यू के जो क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के हर मंथ के, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। ये रही आपकी जीके की। अब थर्ड मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में मैथमेटिक्स सीख लेंगे और 50 में 50 स्कोर कर देंगे। हाँ, मैथमेटिक्स अगर आप कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको क्या करना है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको अपना कोर्स जो आपने कंप्लीट किया है, जो सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है, फर्स्ट थिंग, जो कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या तो आप ऐसा करिए कि आप एक चैप्टर रिवाइज करिए और उसको सॉल्व करिए, चैप्टर रिवाइज करिए और उसको सॉल्व करिए, तो उससे साथ रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब करना क्या, प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करना ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने परसेंटेज चैप्टर उठा लिया सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर अपने नोट्स से रिवाइज करना है। आफ्टर दैट टू बूस्ट योर कैलकुलेशन स्पीड, आपको 2010 टू 2017 तक के परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जितने भी एसएससी ने पूछे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, जस्ट लाइक अ प्रीवियस ईयर। देन आपको क्या करना है, 2018 टू 2021 एसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं स्पेशली सीपीओ में और स्पेशली पार्टनरशिप एंड एवरेज के क्वेश्चंस, ठीक है, इनको आपको रट्टा मार जाना है, इनके पैटर्न्स को रट्टा मार जाना है कि आखिर ये क्वेश्चन जब मुझे सामने पॉपअप होगा स्क्रीन पे तो मुझे क्या अप्रोच लगाना और कितना जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह आपको हर चैप्टर के साथ करना है, परसेंटेज, देन आफ्टर रेशन प्रोपोर्शन, देन सीआईएसआई एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अपना नोट्स रिवाइज करना है। आफ्टर दैट 2011 या 2010 टू 2017 तक के प्रीवियस ईयर उस चैप्टर के सॉल्व करने हैं, देन 2018 टू 2021 के सारे क्वेश्चन एसएससी ने जो पूछे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करता हूँ ये वाली बुक पिनाकल मैथ्स, जिसमें कि आपको सब मिल जाता है। तो आपको इस किताब को रट्टा मार जाना है, रट्टा, आपको डेली कम से कम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तब जाके आप इसको कवर कर पाओगे, क्योंकि 60 दिन बचा हुआ है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, और आपको प्री में कम से कम 150 स्कोर करना पड़ेगा तभी आप दिल्ली पुलिस लायक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स, चैप्टर रिवाइज करना अपने नोट्स से, चैप्टर प्रीवियस ईयर करना है, चैप्टर 2018 टू 2021 एसएससी के सारे टीसीएस द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बिल्कुल थोरोली शॉर्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। दिस वॉज फॉर द मैथ्स। अब बात आती है इंग्लिश की, जिससे लोग बहुत परेशान हैं और जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है सीपीयू में सेलेक्शन के लिए, क्योंकि इंग्लिश 250 नंबर का आता है। और इंग्लिश के लिए मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रामर के लिए परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एंटो साइनो के लिए परेशान नहीं होना है, आपको करना क्या है सिर्फ, अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप नीतू सिंह की फर्स्ट वॉल्यूम बुक को आप अच्छे से रिवाइज कर सके, आपको सिर्फ क्या करना है, जो रानी मैम का चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल्स मिल जाएंगे उनके पढ़ाए हुए, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, तो आप वहाँ से उनके इंपॉर्टेंट रूल, जैसे 50 इंपॉर्टेंट रूल्स, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आप वहाँ से उन सबको रिवाइज कर लीजिए। बट सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, जो मेन थिंग है वो आपको प्रीवियस ईयर करना है। अब प्रीवियस ईयर डिपेंड करता है आपके ऊपर, एमबी पब्लिकेशन करिए, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन में मिक्स मॉक के फॉर्म में होता है, या तो आप किरण करिए क्योंकि किरण में चैप्टर वाइज होता है। बट दिस टाइम एग्जाम के अभी जो टाइम आ गया है, इस समय मैं आपको रिकमेंड करूंगा किरण पब्लिकेशन को यूज करने के लिए, क्योंकि किरण पब्लिकेशन में चैप्टर वाइज है, जैसे एक चैप्टर में 1,000 1,200 क्वेश्चन है, तो आपको टारगेट करना है कि 4 दिन में मुझे कॉमन एरर्स खत्म कर देने हैं, अगले 4 दिन में मुझे क्लोज टेस्ट खत्म कर देना है, अगले 5 दिन में मुझे ये चैप्टर खत्म कर देना है, इंप्रूवमेंट खत्म कर देना है, ठीक है। तो आपको इस तरह टारगेट करके बचे हुए 2 महीने में कम से कम दो बार उसको सॉल्व करना है किरण की प्रीवियस ईयर इंग्लिश के लिए, ठीक है। उसके बाद वोकैब के लिए क्या करना है, सिंपल है, एक तो मैं अपने सीरीज डाल रहा हूँ वोकैब के लिए, आपको डेली प्री तक मिलेगा, पूरा अच्छे से सीरीज डेली मिलेगा, तो आप डेली 10 क्वेश्चन वहां से हर
सेक्शन का 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही है वो, उस पर आप रिवाइज भी कर लेंगे, आप याद भी जाएगा, तो आपको अलग से वो क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप वहां से उस चीज़ को देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस और ईडीएम फ्रेजेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? ये भी आपको प्रीवियस ईयर ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ आएगा तो कर भी नहीं पाएंगे, प्रीवियस ईयर आएगा तो ही कर पाएंगे। और सीपीओ के 200 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नए मिलेंगे, जो कि अगर रीडिंग आपकी अच्छी, रीडिंग स्किल अच्छी होगी या प्रैक्टिस अच्छी की होगी आपने, तो वो 20 क्वेश्चन को भी आप आराम से टैकल कर सकते हैं। सीपीओ के इंग्लिश में 180 प्लस स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने दोनों बार ही 182 प्लस स्कोर, 185 प्लस स्कोर किया है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेने हैं ग्रामर के, वो कैप से डेली 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 वो कैप से रूबरू रहना है। एंड द थर्ड थिंग इज, आपको चैप्टर वाइज अब किरण पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? ये थी इंग्लिश की बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मॉक टेस्ट कहाँ से दें? देखिए, मेरे हिसाब से आपको मॉक टेस्ट क्या देना है, टेस्ट बुक का टेस्ट उठाइए। सबसे पहले तो आप टेस्ट बुक के जो सीपीओ के पेपर आए हैं, सीजल 2018, सीजल 2019 एंड सीजल 2020, सीजल 2021, ये जो 4 साल के पेपर आए हैं, सबसे पहले तो आप इनको बिल्कुल ही रट जाइए, इनके पैटर्न्स को बिल्कुल दिमाग में घुसा लीजिए कि हाँ ये पैटर्न आता है सीपीओ में, ठीक है? वहां पे सॉल्व करिए। अभी जब तक आपका ये 15 अक्टूबर तक, आज 15 नवंबर है, 16 सितंबर है, तो आपको 15 अक्टूबर तक हर 2 या 3 दिन पे एक मॉक टेस्ट देना है, और आपको अपने रिवीजन पे और अपने प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ये टारगेट रखना है कि 15 अक्टूबर तक मुझे अपना कंप्लीट रिवीजन कर लेना है, और हर तीसरे दिन पे एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उसको एनालाइज करना है, दिस इज, ठीक है? एंड 15 अक्टूबर के बाद आपको डेली एक मॉक देना है, ठीक है? 15 अक्टूबर टिल 9 नवंबर आपको डेली एक मॉक देना है जी, आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वहाँ पेपर में, ठीक है? आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा, ये मैं अपना टोटल एक्सपीरियंस यहाँ आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो आपको सीपीओ में नौकरी लेने से इस बार कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? हाँ, 3 3, ये मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी का 80% भी फॉलो करते हैं, तो यू विल बी गेटिंग दिल्ली पुलिस, नो डाउट। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी का 60% फॉलो करते हैं, तो यू आर गेटिंग अ जॉब। 60-65% अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप जॉब पा रहे हैं सीपीयू से, अंटिल अनलेस अगर आप फिजिकल और मेडिकल में फेल ना हो तो। तो ये जो स्ट्रेटजी है मैंने बहुत रिसर्च करके बनाई है, और मैंने पूरा एक्सपीरियंस अपना डाल दिया है यहाँ पे इंग्लिश का, क्योंकि आप मेरा इंग्लिश का स्कोर देख सकते हैं कि हमेशा इंग्लिश का स्कोर अच्छा होता है। तो मैंने इंग्लिश के लिए जो भी आपको बताई है, बस ये रामबाण है, आपको यही चीज करनी है, आपको इधर उधर के पचड़ों में नहीं फंसना है, 50 तरीके के पीडीएफ्स में नहीं फंसना है, सिंपल 2-3 किताबें हैं उनको पढ़िए और सेलेक्शन लीजिए, और फिर मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है? बाकी कोई और डाउट होगा तो आप मेरे सीजल के, आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, सीजल एलेक्सियर बाई के, वहाँ पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हम वहाँ पे डेली डाउट सेशन भी लेते हैं शाम को 8:30-9 बजे वीडियो चैट पे या ऑडियो चैट पे, वहाँ पे सबके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, तो आप वहाँ पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं अपने आके, या कमेंट में अपना डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिए, ठीक है? चलिए, नमस्कार।